नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास समीर सिंह गार्डन से और आपको आज ग्रीन गोल्ड गार्डन के माध्यम से ये जानकारी देने जा रहा हूँ। ये पौधा आप सभी को फेमिलियर है, ये है गेंदा या मैरी गोल्ड। तो आज हम मैरी गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि एक ही पौधों में हम हजारों फूल कैसे लें और पूरा सीजन लेते रहें, लंबे टाइम तक फ्लावरिंग आए, इसको कैसे लगाएं कि जल्दी से जल्दी फूल आ जाए, और क्या केयर टिप करें, क्या मतलब उसकी केयरिंग करें कि हमारा ये जो फ्लावरिंग है वो चलती रहे, कैसे हम बीमारियों से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें हम लेंगे। और इससे एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि इसी पौधे को हम नर्सरी या यहाँ वहाँ से ख़रीदने की बजाय हम फ्री में इसको अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो आप ये सैकड़ों फूल लगे हुए देख रहे हैं एक ही पौधे पर, और चलता ही जा रहा है, कुछ खिल रहे हैं, कुछ सूख गए हैं। तो ये जो इतने फूल आ रहे हैं ये कैसे संभव हुआ है, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया है जिसका इस्तेमाल हम इसमें 15 से 20 दिन में करते हैं डाइल्यूट करके, और उसी की वजह से ये इतना फूल आपको दिखाई दे रहा है। तो उस फर्टिलाइज़र के बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या फर्टिलाइज़र है और कितनी मात्रा में है डालना है, ताकि एक ही पौधे से, ये देखिए कि सिंगल पौधा है, कोई दो पौधा नहीं है, कोई तीन पौधा नहीं है, आप देख सकते हैं एक गमले में एक पौधा है ये, और इसमें भी देखेंगे आप एक ही पौधा है, सिंगल पौधा है ये, और इसी सिंगल पौधे पे इतनी फ्लावरिंग हम ले पा रहे हैं। तो वो ऐसा क्या फर्टिलाइज़र है, उसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा कि गेंदे के पौधे को लगाना कैसे है, किस किस तरह से हम लगा सकते हैं गेंदे के पौधे को कि जल्दी फ्लावरिंग आ जाए। तो इसका दो तरीका है, एक तो आप सीड से उगाते हैं, सीड से उगने में क्या होता है कि महीनों तो वो पौधा तैयार होने में लेता है, फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं, फिर आता है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि आपके घर में गेंदे का पौधा पुराना लगा हुआ है और बड़े बड़े हो जाते हैं, आमतौर पर बरसात के दिनों में आप देखते हैं, और आप चाहते हैं कि जल्दी फूल लेना है। तो जैसे ये देखिए गेंदे का पौधा है, उसमें से हम क्या करेंगे कि ये टहनी एक कट कर लेंगे, इस तरह की टहनी देखेंगे जिसमें हमारा उस टाइम होता है, इस तरह से कट कर लेंगे, ये इस तरह की टहनी को हम कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से साफ करेंगे, इस तरह से साफ करके, और इसमें क्या करना है, आपने एलोवेरा जेल लगाना है, नहीं भी लगाएंगे तो भी इसको सैंड में, रेत जो होती है नदी की रेत, उसमें डाल देंगे, और ये पौधा जो है आपका ज़्यादा नहीं 8 से 10 दिन में रूटिंग कर जाएगा, बिल्कुल रूट से भर जाएगा, और वो फिर आप शिफ्ट कर देंगे। अभी तो इसकी कली निकली हुई, लेकिन जब आप बरसाती सीजन में करेंगे तो पौधे में कली नहीं होगी, ये पौधा तैयार हो जाएगा 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा, शिफ्ट करते ही 30 दिन से 35 दिन होते होते आपको उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारा सीड से उगाने के लिए, तो सीड्स आप बाहर से खरीदते हैं, कई बार अच्छा कई बार बेकार मिलता है, उसको उगा सकते हैं। और दूसरा मैं बताता हूँ कि फ्री में आप फ्री में जो है गेंदा अपने घर में ही कैसे उगा सकते हैं, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा देखिए, जैसे ये गेंदा आपके पौधे पे सूख रहा है, आमतौर पे आदमी क्या करता है, इसको एज इट इज छोड़ देता है, ये हमारे आगे आने वाली फ्लावरिंग को रोकता है। तो जब इस तरह का फ्लावर सूखे, उससे पहले, सूखने से थोड़ा पहले ही आप इसको तोड़ लें इस तरह से, तो उससे क्या होगा, जो आगे हमारी फ्लावरिंग आ रही है उसके लिए एनर्जी जो है वो बची रहेगी और हमारा पौधा सुंदर लगेगा। तीसरी बात क्या होगी, जो हम ये तोड़ रहे हैं इसको हम बीज को उगा सकते हैं और नए पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं, देखिए ये हमने तोड़ा और ये जो बीज है ये देखिए, इसको हम उगा के नए पौधे में, हजारों पौधे हम नए तैयार कर सकते हैं और यहाँ वहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल फ्री हो गया ये, किसी भी तरह से आपके पैसे नहीं खर्चने हैं, घर में ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलर आपके पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट में वही कलर आपको मिल जाए, तो आपको वही कलर और वही टेक्सचर का जो फूल है वो आप अपने घर में ही तैयार कर पाएंगे। तो ये तो हुई उगाने की विधि, अब हमें क्या करना है कि खाद क्या देना है इसमें, फर्टिलाइज़र ऐसा क्या डालना है कि नंबर ऑफ फ्लावरिंग, जैसे एक सीजन में एक ही पौधे के अंदर, मैंने आपको दिखाया अभी कि एक एक पौधा है ये लगा हुआ, एक पौधे में हजारों फूल, इनके लाइफ टाइम में हजारों फूल आ जाएंगे, क्योंकि ये ख़त्म होगा और ये देखिए जैसे ख़त्म हो रहा है, ये हमने तोड़ भी लिया, ये फ्लावरिंग, ये जो कलियाँ हैं वो आ रही हैं। तो हम इसको टाइम टू टाइम केयर करेंगे और फर्टिलाइज़र जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो डालेंगे, तो ये फ्लावरिंग चलती ही चलती जाएगी और नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारा हजारों तक पहुंच जाएगा। वो फर्टिलाइज़र कोई केमिकल नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, जो हमारा वेस्ट मैटर, जो हमारा पत्ते हैं, इन सब चीज़ों से तैयार किया गया है। एक बात और है इसमें कि इतनी फ्लावरिंग के लिए गेंदा लगा के भूल जाने से नहीं होगा, न्यूट्रिशन के साथ साथ इसकी टाइम टाइम पे पिंचिंग करनी है, मतलब उसको तोड़ना है। सपोज़ करिए आपने एक गेंदे का पौधा लगाया और वो 4 इंची का हो गया तो उसकी टिप तोड़नी है, फिर वो दोबारा हो गया, उसकी जो 3-4 टिप निकली हैं ब्रांचेज, उसको तोड़ना है, तो उससे क्या होगा कि इस तरह से पौधा आपका
घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, और पौधा जितने ब्रांचेस निकलेंगे बुशी होगा और न्यूट्रिशन डालेंगे तो उतनी फ्लावरिंग करेगा, तभी ये हजारों पौधे मतलब हजारों फूलों तक जो ये पौधा पहुंच पाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि आपने लगा दिया और सीधा कर दिया तो वो सीधा लंबा चला जाता है, उसमें 5-7-10 फूल ही आएंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है कि टाइम टू टाइम पिंचिंग ज़रूर करते रहना है ताकि जो फ्लावरिंग है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, मतलब इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने हैं, जितने ब्रांचेस बढ़ेंगे उतना ही फ्लावर आएगा। जैसे एक कंपनी होती है तो एक ही आउटलेट उसका होगा तो उतनी आउटपुट नहीं होगी, लेकिन वो फ्रेंचाइजी खोल देते हैं, तो इसी तरह हमने ब्रांचेस की फ्रेंचाइजी खोलनी है, ब्रांचेस खोलनी है तो आपको इतना फ्लावर मिल पाएगा। तो दोस्तों आपने ये देखा, अब आप ये देखिए कि हमने सब कुछ डाल दिया, लेकिन बीमारी आना तो हर पौधे में लाजमी है, चाहे वो इंसान हो या पौधा हो। इंसान के अंदर भी खाते पीते भी बीमारी आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह गेंदा है, अगर आप टाइमली लगाएंगे तो इसमें स्पाइडर माइट क्या होता है, इसके पत्ते जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं और हल्का हल्का जाला लग जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दिखाई नहीं देती और पूरे गेंदे को ख़त्म कर देता है, आपके फ्लावरिंग होने ही नहीं देगा। दूसरा, इसके ऊपर सुंडी लगती है, वो सुंडी जो है इनके पत्तों को खा जाती है, जब पत्ता ही नहीं होगा तो फूल कहाँ से होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारा एक ये पेस्टिसाइड आता है, लिक्विड पेस्टिसाइड है, और पेस्टिसाइड ये नीम ऑयल 10,000 ppm और धतूरा एक्सट्रैक्ट गौमूत्र में करके बनाया जाता है। उन दोनों को फिर एक बैक्टीरिया में 21 दिन तक डिकम्पोज किया जाता है, तब ये तैयार होता है हमारा जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को 50 से 60 ml मतलब लगभग 2 से 3.5 ढक्कन जो है 1 लीटर पानी में मिला के और इसको स्प्रे करते रहना होता है। तो उसमें क्या है, प्लांट के अंदर एक इम्यूनिटी ऐसी बन जाती है कि कीड़े इसको लगे ही ना, और इको फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई केमिकल नहीं है। तो ज़रूर देखिए कि आप पौधा लगा रहे हैं और इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें ताकि इस तरह मेरी तरह ही ये भरा भरा मतलब हजारों फूल एक सीजन में एक पौधे से आप ले सकें। हम बात आते हैं कि इतनी फ्लावरिंग के लिए ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक लीप कंपोस्ट ऐसा है कि लीप कंपोस्ट डालने से हमारे प्लांट के जो 90% न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी हो जाती है। तो जब आप पौधा लगाएं तो मिट्टी में जो है 7 पार्ट मिट्टी और 2 पार्ट ये मिला करके जो हमारा लीप कंपोस्ट है पौधा लगा दें, पौधा चल पड़ेगा। और इसके बाद ज़्यादा फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए जो है ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये लिक्विड हमारे डिफरेंट पत्तों को बैक्टीरिया कल्चर में डिकम्पोज 8 से 10 महीने करने के बाद तैयार होता है। तो ये हमारा डालेंगे आप 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र लेंगे, उसमें 4 लीटर पानी मिला करके, और तब आपको इसमें डालना है, ये 10 इंची के गमले में एक पौधा लगा हुआ है तो इसमें 300 से 400 ml आप डालेंगे मिक्स किया हुआ, और 15 से 20 दिन में एक बार डालते रहेंगे। इस प्लांट की ग्रोथ पिंचिंग करते रहेंगे, बढ़ती रहेगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अल्टीमेट फ्लावरिंग हो जाएगी। जब आपकी फ्लावरिंग पूरी तरह से हो जाए तो इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है, उससे पहले पहले ही आपको डालना है जब तक प्लांट ग्रोथ करे और फ्लावरिंग निकले। इसके बाद तो सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है जब इस तरह से फ्लावरिंग हो जाए। अब हम इस कंडीशन में इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पन्ना था उस मिट्टी में चला गया। 15-15-20 दिन के गैप पे हम डालते रहे हैं और कितनी फ्लावरिंग हम ले पाए, तो आइए डाल के दिखाते हैं आपको कैसे डालना है इसको। ये हमारा फर्टिलाइज़र है, ये हमने खोला और ये इस तरह से निकाल लेंगे इसको। तो ये लगभग हमने 300 ml आसपास 300 ml के हमने डाल लिया। इस तरह से डाल देंगे और इसको जो डालने का तरीका है ये हमारा क्या होना चाहिए, समय आपको दोपहर के टाइम नहीं, इसको शाम के टाइम डालिए। अभी तो मैं आपको दिखाना है इसलिए बता रहा हूँ। ये रखना छाए में है आपने, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर पूरी तरह से जैविक है ये। और डालने का टाइम जो है शाम को 4 बजे के बाद डालिए, ताकि जो हमने ये बैक्टीरिया डाला वो मिट्टी में चला जाए, सीप कर जाए रात भर में। अल्ट्रा वायलेट रेज लगेगा तो वो मर जाएंगे बैक्टीरिया, तो इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी हमारा ये फर्टिलाइज़र है, चाहे वो हमारा लीफ कंपोस्ट है, उसमें भी मॉइस्चर बना रहना चाहिए और धूप में नहीं, इसको हमें छाए में स्टोर करना है। इसकी जो है 1 साल तक आप छाए में स्टोर रखेंगे तो 1 साल तक वैल्यू बनी रहेगी इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको अपना करके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा फूल